वज़ीर-ए-आज़म आज फिर नवाज शरीफ पर बरस पड़े। बोले, नवाज शरीफ लंदन में बैठकर फौज के खिलाफ साजिश कर रहे हैं अपनी चोरी बचाने के लिए। भारत की जुबान बोल रहे हैं, इस वक्त मुल्क में सर्कस लगी है, मुल्क का लूटा हुआ पैसा वापस मिलने तक नहीं छोड़ूंगा। इमरान खान का हाफिजाबाद में जलसे से खिताब। तब्दीली के नाम पर पूरे पाकिस्तान में तबाही फैल रही है। बिलावल भुट्टो की वज़ीर-ए-आज़म पर कड़ी तनकीद, कहते हैं इनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी। अवाम इमरान खान और उनके यू टर्न को जानते हैं। कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने गिलगित का दौरा किया। इमरान खान ने 2 साल के दौरान गिलगित को कोई पैकेज क्यों नहीं दिया? अब्दुल कादिर बलोच का नून लीग छोड़ने का ऐलान, फौज के बगैर मुल्क कुछ नहीं। मुसल्ला फौज के खिलाफ कोई भी साजिश नाकाबिले बर्दाश्त है। कोयटा में हम ख्याल साथियों के इजलास से खिताब। साबिक वजीर आला बलोचिस्तान सनाउल्ला ज़ाहरी बोले, नवाज शरीफ लोगों को इस्तेमाल करके छोड़ देते हैं, नवाज शरीफ की फितरत में डसना है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज बंद रास्ते की जानिब जा रहे हैं। बिलावल ने इंटरव्यू देकर जिम्मेदारी का सबूत दिया। पीपल्स पार्टी कभी इस्तीफे नहीं देगी, शेख रशीद का दावा। कहते हैं सियासत में जूडो कराटे का अंजाम अच्छा नहीं होता। ऑपोजिशन से एनआरओ के सिवा हर चीज पर बात हो सकती है। ऑपोजिशन इतिहाद पीडीएम का इजलास कल इस्लामाबाद में तलब। हुकूमत मुखालिफ तहरीक पर मुशावरत होगी। पिशावर में 22 नवंबर के जलसे के हवाले से भी तबादला ख्याल होगा। नवाज शरीफ वीडियो लिंक के जरिए खिताब करेंगे। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स की कमीशन के जरिए तहकीकात कराने की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत के लिए खसूसी बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी पर मुश्तमिल बेंच 24 नवंबर को समाअत करेगा। मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन की तबीयत बेहतर होने लगी, कोरोना टेस्ट भी मंजूर किया गया। सर्विसेज अस्पताल में निमोनिया का इलाज जारी, अयादत के लिए सियासी रहनुमाओं की अस्पताल आमद। मरियम नवाज की चौधरी शुजात की सेहतयाबी की दुआ। वजीर आजम इमरान खान लाहौर आकर भी चौधरी शुजात की अयादत के लिए ना गए। कोरोना की दूसरी लहर फैलते ही पाबंदियां मजीद सख्त। मास्क न पहनने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू। कराची में 26 अफराद को 13,000 रुपए जुर्माना किया गया। इंडोर शादी तकरीबात पर पाबंदी। शादी हॉल्स 20 नवंबर से 31 जनवरी तक बंद रहेंगे। हुकूमत को नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए निजी शोबे के कंधे की जरूरत पड़ गई। नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए निजी हाउसिंग सोसाइटीज को तारीखी रिलीफ देने का फैसला। सिर्फ 20% प्लॉट देकर छूट हासिल कर सकेगी। पंजाब हुकूमत ने नए ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी। मियांवाली का रिक्शा ड्राइवर एक साथ 4 बच्चों का बाप बन गया। यासिर खान के यहाँ 3 बेटे और 1 बेटी पैदा हुई। डॉक्टर्स का कहना है जच्चा और चारों बच्चे मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हैं। पंजाब पुलिस में भर्ती के लिए पंजाबी कुड़ियों की दौड़। मुल्तान और फैसलाबाद में खवातीन की मर्दाना वार दौड़। कुछ मंजिल पर पहुंचने में कामयाब, कुछ रास्ते में ही हिम्मत हार गई। कोरियोग्राफर लाडा ने अदाकारा मीरा पर लाखों रुपए फ्रॉड का इल्जाम लगा दिया। लाडा के मुताबिक मीरा ने घर को शेल्टर होम बनाने के नाम पर लाखों की इमदाद दी। मीरा का घर शेल्टर होम नहीं बल्कि धोखा दही का मरकज था।